तो गाइज आज के इस वीडियो से मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो कि जुलाई मंथ में आपको एटलीस्ट 10 से लेकर 30% तक का प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि जो भी कॉइन्स के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा सभी कॉइन्स का कुछ ना कुछ न्यूज़ या कुछ ना कुछ बिग इवेंट्स इसी मंथ को है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये सभी कॉइन्स से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन आपको याद रखना है कि जैसे आपको प्रॉफिट मिल जाए मिनिमम जो है 10 से 15% का आपको जो है सेल कर देना चाहिए, कि क्योंकि जो भी कॉइन्स मैं आपको बताऊंगा सभी ओनली के लिए है एंड एक दो कॉइन को आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कॉइन का मैं आपको नाम बताता हूं एंड क्या क्या न्यूज एंड क्या क्या इवेंट्स है मैं आपको वो भी बता देता हूं। एंड आपको बता देते हैं कि ऑलरेडी हमारे चैनल में एक गिव अवे चल रहा है एंड इसे अगर अभी तक पार्टिसिपेट आप उसमें नहीं किए हैं तो आई बटन में आपको लिंक मिलेंगे, आप जाइए एंड गिव अवे में अभी पार्टिसिपेट कीजिए जहां से आप 15 मिलियन सीबा इनू टोकन जीत सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूं मेरा जो फर्स्ट पिक है वो है इथेरियम क्लासिक। आपको पता है कि इससे पहले मैंने नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए टॉप क्रिप्टो पोर्टफोलियो जो होगा उसमें भी मैंने आपको इथेरियम क्लासिक को सजेस्ट किया था। तो एक बहुत ही स्ट्रांग फंडामेंटल का कॉइन है, अभी करंटली आप प्राइस देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट 4,250 रुपये का आसपास, अभी कॉइन मार्केट कैप में रैंक है ऑलमोस्ट 18। एंड इस कॉइन को मैंने क्यों पिक किया, इसका दो रीज़न है, दो न्यूज़ है। फर्स्ट जो न्यूज़ है आप देख पा रहे हैं कि 7 जुलाई को लॉन्च होने वाला है इस कॉइन का मेन नेट एंड यहाँ से आप देख पा रहे हो कि 21 जुलाई को लॉन्च होने वाला है इस कॉइन का जो एक हार्ड फॉक है, हार्ड फॉक किया जाएगा 21 जुलाई को। तो दोनों ही बिग न्यूज़ हैं इस कॉइन में, आपको एटलीस्ट जो है 15 से लेकर 30% तक जो है प्रॉफिट मिल सकता है। नेक्स्ट जो कॉइन है वो है जेन यानी हॉरिजन। ये कॉइन को आप बाइनेंस में भी आपको मिलेंगे, बाइनेंस से भी आप परचेस कर सकते हैं एंड 4819 रुपये के आसपास INR में अभी प्राइस है। कॉइन मार्केट कैप में रैंक है 83 एंड एक चाइनीज प्रोजेक्ट है एंड इस कॉइन का जो है एक न्यूज़ है जुलाई में एंड न्यूज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि दो जो चाइनीज सिटी है उसमें रोड शो होने वाला है। फर्स्ट आप देख पा रहे कि 17 जुलाई को बीजिंग में रोड शो होगा एंड 31 जुलाई को संघाई में रोड शो होगा। तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जिसकी वजह से हो सकता है कि ये कॉइन आने वाले दिनों में अच्छा खासा आपको जो है प्रॉफिट दे दे जुलाई मंथ में ही। तो इस कॉइन का अगर मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे काफ़ी हद तक जो है डंप हुआ है हाई से, तो इस कॉइन में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा जो पिक है वो है SXP, बहुत ज़्यादा पॉपुलर कॉइन है एंड इस कॉइन का प्राइस अभी आप करंटली देख पा रहे 144 रुपीज़ एंड इस कॉइन का आप चार्ट देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है बॉटम के आसपास है, बहुत ज़्यादा क्रैश आपको देखने को मिला है एंड इस कॉइन को मैंने क्यों पिक किया है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस कॉइन का जो टेस्ट नेट है उसे लॉन्च किया जाएगा July 6th को एंड टेस्ट नेट का जो इस कॉइन का जो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन का नाम दिया गया है स्वाइप चेन। तो स्वाइप चेन का जो टेस्ट नेट है उसे 6 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। तो एक बिग इवेंट से आप कह सकते हैं SXP के लिए एंड आप देख पा रहे कि ऑलमोस्ट 4.65% का गेन हो भी चुका है। तो इस मंथ का लास्ट में इस कॉइन में आपको अच्छा खासा रैली दिखाई मिल सकता है। नेक्स्ट जो मेरा पिक है वो है crypto.com CRO टोकन। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत बार इस कॉइन के बारे में बताया था, अभी करंटली आप प्राइस देख पा रहे हो करीब 9 रुपये का आसपास है, कॉइन मार्केट कैप में रैंक है ऑलमोस्ट 30। इस कॉइन का अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ है, ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास एक कॉइन भी है। इस कॉइन को मैंने जो है क्यों पिक किया, इसके पीछे जो रीज़न है वो है फेस टू में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे जिसका नाम है EVM यानी इथेरियम वर्चुअल मशीन एंड इस EVM चेन को लॉन्च करने के लिए, बिल्ड करने के लिए 100 मिलियन फंड को लॉन्च किया गया है जो है इस प्रोजेक्ट की तरफ से। तो आप कह सकते हो कि ये भी एक गुड न्यूज़ है, इस न्यूज़ का इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक जो है जो EVM या इथेरियम वर्चुअल मशीन है इसे लॉन्च किया जा सकता है। तो हमारा जो आखिरी एंड लास्ट जो पिक है वो है कावा यानी kava.io। इस कॉइन का प्राइस है ऑलमोस्ट जो है 314 रुपये के आसपास INR में एंड कॉइन मार्केट कैप में जो है मैं आपको रैंक बताऊँ तो है 124। तो इस कॉइन का अगर मैं आपको चार्ट दिखाता हूं तो काफ़ी हद तक आप देख पा रहे हो ये भी क्रैश हुआ है अपना पिक पॉइंट से एंड इस कॉइन को मैंने क्यों पिक किया इसके पीछे भी एक रीज़न है। जो कुछ जो इवेंट्स है जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 12 जुलाई में जो है टेस्ट नेट लॉन्च होगा एंड उसके साथ साथ जो है 14 जुलाई को जो कावा स्वैप का जितना भी ऑडिट्स है उसे कम्प्लीट किया जाएगा एंड 21 जुलाई को जो है
लाइव डिसीजन लिया जाएगा कावा स्वैप के ऊपर। तो तीन मेजर इवेंट्स हैं एंड इसका इम्पैक्ट आपको इस कॉइन का प्राइस में देखने को मिल सकता है इस मंथ का एंड में या इस मंथ का मिडिल में। तो आपको मैंने पांचों कॉइन के बारे में बता दिया, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ इथेरियम क्लासिक जो कॉइन है इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। बाकी जो चार कॉइन है चारों कॉइन को आपको जो है सिर्फ और सिर्फ जैसे आपको प्रॉफिट मिल जाए आपको सेल कर देना चाहिए, प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बिटकॉइन क्या मूवमेंट दिखाएगा बहुत हद तक डिपेंड करता है ऑल्ट के ऊपर। अगर बिटकॉइन में हमें वोलेटिलिटी दिखाई मिले तो हो सकता है कि ऑल्ट यहाँ से और भी ज़्यादा क्रैश हो, अगर बिटकॉइन स्टेबल रहे अपना जो रेंज बाउंड जोन है उसमें ही रहे तो उस टाइम पे आपको ऑल्ट में अच्छा खासा रैली दिखाई मिल सकता है। तो ये पांचों कॉइन के बारे में मैंने आपको बता दिया, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। इसमें से कौन सा कॉइन को आप बाई करेंगे आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सा कॉइन का एनालिसिस चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।